हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 11th एडमिशन्स के प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन 11thadmissions.org.in, ठीक है। यहाँ पे मैंने मुंबई डाल दिया हुआ है, आप जब सर्च करोगे तो आपको ऑलमोस्ट मुंबई आ ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऊपर नीचे से किसी पे भी क्लिक कर लेना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ 11thadmissions.org.in पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया तो ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये पेज ओपन हो गया। अभी आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती। तो बेसिकली मुंबई पे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने मुंबई पे अप्लाई किया तो एक पेज ओपन हुआ। इस पेज पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट आ गया और ये इम्पोर्टेंट नोट रियली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट है उनका जो डेमो रजिस्ट्रेशन एंड मॉक पार्ट वन फीलिंग है, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है। और ये स्टार्ट है 24 मई तक 3 बजे तक, यानी कि आफ्टरनून के 3 बजे तक ये सिर्फ आपका मॉक चलेगा, ठीक है। मतलब मॉक मीन्स आप इस पे अपनी फॉर्म फिलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, राइट। एंड सेकेंड जो इसमें पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पार्ट वन एंड फॉर्म वेरिफिकेशन साथ स्टार्ट फ्रॉम 25 मई 2023 एट 11 AM, यानी कि 11 AM से आपका एक्चुअल फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेल स्टार्टेड लिखा हुआ है, मतलब कि 25 से भी स्टार्ट हो सकता है या तो डेट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। देख लीजिए कि ये सब आपका पार्ट वन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। अभी से आपका मॉक स्टार्ट है। अगर आप मॉक टेस्ट की मतलब मॉक की प्रैक्टिस करनी चाहते हो तो ये आप कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया हुआ है। आपको इसी 11admission.org.in पे ही आके आपको यहाँ पे मॉक की तैयारी करनी है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे एक आपको फॉर्म आ गया। देखिए ये पार्ट वन के फॉर्म के प्रोसीजर्स है। तो इसमें आना है आपको, इसमें फर्स्ट वन आप देख सकते हो विद इन MMR एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो MMR में आता है, यानी कि ऐसा स्कूल जो मुंबई के रीजन में आता है। जैसे कि अभी आप लोग मुंबई में ही हो तो मतलब कि ये मुंबई आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ऐसा क्लिक करना होगा यहाँ पे विद इन MMR एरियाज। एंड अगर आप MMR में नहीं आते, यानी कि आउटसाइड ऑफ द मुंबई हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट थिंग कि आउटसाइड ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट हो तो आपको थर्ड में क्लिक करना है, यानी कि आप महाराष्ट्र स्टेट के बाहर हो, ठीक है, कोई अदर स्टेट में हो और आप 11th में एडमिशन मुंबई महाराष्ट्र में चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा थर्ड ऑप्शन में। चलिए मैं यहाँ पे MMR में सेलेक्ट करता हूँ विद इन द MMR। देन इसको स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, थोड़ा सा एप्लीकेशन या एप्लीकेंट स्टेटस डालता हूँ, ठीक है। मेरा जो एजुकेशन है वो 10th का, वो कैसा था, फ्रेशर था, रिपीटर था या प्रीवियसली पास था। मैं तो मैं यहाँ पे डालूंगा फ्रेशर्स, ठीक है। मैंने जस्ट अभी 10th के एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे रिपीटर्स लिखा हुआ है, मतलब कि मैंने 2022 में दिया था और फिर मैं फिर से यहाँ पे एग्जाम दिया हूँ रिपीटर्स, ठीक है। मैं फेल हुआ था या कुछ भी हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूंगा, या मैं 1 साल का गैप हुआ था, जो भी है। एंड प्रीवियसली पास, ठीक है, मतलब मैं पिछले साल पास हो गया था लेकिन फिर भी मैंने 11th का एडमिशन्स नहीं लिया, तो भी मैं यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसेस, ठीक है। मैं अभी जस्ट पास हुआ 2023 में, ठीक है। फेस के बाद आएगा 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटीज बोर्ड। तो आप किस बोर्ड से 10th पास हो, SSC यानी कि स्टेट लेवल से पास हो, या CBSE, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड से, या इंटरनेशनल बोर्ड, अगेन IB इंटरनेशनल बोर्ड, ठीक है, IGNS एंड सॉरी IGCSE से हो, यानी कि इंटरनेशनल बोर्ड ही है ये भी ऑलमोस्ट, ठीक है, या नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूल से पास हो या किसी और अदर बोर्ड से पास हो, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं SSC पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं SSC पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल इंटर करना पड़ेगा। अगर मैं CBSE भी करता हूँ तो भी सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ICSE में भी करता हूँ तो सेम है, IB में भी सेम, ठीक है, सब जगह को सेम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो अगर मैं 10th स्टेट बोर्ड से हूँ तो यहाँ पे आपको सीट नंबर इंटर करना है, और जैसे सीट नंबर यहाँ पे इंटर करोगे तो यहाँ पे आएगा गेट SSC डेटा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे तो आपके पास ये जितने भी कॉलम से ये अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, जैसे कि मंथ ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आ जाएगा, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगा,
और नेम ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि आपका नाम भी आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है आपका जो भी मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी यहाँ पे इफ अवेलेबल बोला हुआ है तो अदरवाइज नहीं करना है, लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी आपको यहाँ पे इंटर करना है। सिक्योरिटीज क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिया कि वॉट इज नेम ऑफ योर ग्रैंड फादर, वॉट इज योर फेवरेट गेम, वॉट इज योर फेवरेट मूवीज, एंड हु इज द बेस्ट फ्रेंड, एंड हु इज द फेवरेट टीचर्स। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन से यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ विच इज योर फेवरेट मूवीज, तो यहाँ पे आपकी जो भी फेवरेट मूवीज है उसका नाम डाल देना, जैसे कि पुष्पा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करूंगा मैं और उसको कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्टर कर दूंगा। ठीक है, तो ये करने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और अगेन मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। अब ये पेज पे आ जाने के बाद फिर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉगिन, तो मुझे यहाँ पे लॉगिन करना होगा और मेरा जो भी आईडी क्रिएट हुआ है जो कि मुझे मैसेज के थ्रू आएगा और जो मैंने पासवर्ड बनाया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के मुझे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सामने एक पेज दिखाई देगा, उस पेज में आपको आपके और भी इंफॉर्मेशन को इंटर करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक मॉक यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको फॉलो कीजिए, उसको फिलअप कीजिए। ठीक है, अभी आप फिलअप करोगे तो अभी भी आपको एक मैसेज आएगा, एक डमी मैसेज आएगा, वो डमी मैसेज आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड करके आगे का लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है कुछ भी, इसीलिए मुझे अब तक कोई मैसेज नहीं आए हुए क्योंकि मेरे पास अब सीट नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हो। फॉर द 11th एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ जो कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। अभी ये आपका डिसाइड करता है कि आप मुंबई से हो, नासिक से, अमरावती से हो, ठीक है, नागपुर से, जहाँ पे भी हो आप वहाँ से ये कर सकते हो। राइट, ये आप अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो या आप अपने लैपटॉप पीसी से भी एक्सेस कर सकते हो। राइट, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये आप अभी तक प्रैक्टिस कर लीजिए एंड 25th of May से आपका एक्चुअल पार्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा एंड आफ्टर रिजल्ट ठीक है आपका पार्ट 2 भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको पार्ट 1 का फॉर्म भरने की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना इंफॉर्मेशन मुझे देना था, आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए वैल्यूड होगा। ठीक है, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।